हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज आपके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ लेकर आए हैं। आप पीछे देख सकते हो न्यूलैंड 5620 जो कि सियाड सीरीज़ का, और अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रैक्टर हरियाणा के अंदर झज्जर जो न्यूलैंड की डीलरशिप है वहां पर बिल हुआ है ये ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव के अंदर। तो इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ हैं सज्जन न्यूलैंड जो कि किसान भाई पिछले न्यूलैंड में पिछले 20 सालों से न्यूलैंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी आपका भी। तो पहले बात अपनी जो डीलरशिप है इसके बारे में, उसका नाम बताइए जी, क्या नाम है हमारी ये जो डीलरशिप है झज्जर में 9000 ट्रैक्टर्स जी झज्जर जो कि न्यूलैंड के प्रोपराइटर हैं अपने सूर्यदीप उर्फ जिमी धनखड़ जी। और जी मेरा नाम सज्जन न्यूलैंड है जी, जो कि लगातार न्यूलैंड से 20 साल से जुड़े इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। डीलर कोई भी रहा है लेकिन सज्जन न्यूलैंड के साथ रहा है। आप उसकी साथ रहे हो? साथ रहे हैं। ठीक जो है। सभी किसान भाइयों का आशीर्वाद है जी। और जो कंपनी का अपना प्रोडक्ट है जी, वो इतना पावरफुल है जी कि जो के मेरा 20 साल से लगाव इसके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का हमारा अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की, हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई है कंपनी ने। बिल्कुल। क्या कहोगे आप, इसके अंदर क्या क्या ऐसा डाल दिया कंपनी ने? इसमें जो किसान को जो चाहिए आज की जो हाईटेक, वो किसान नहीं रहा है जो पहले वाली बातें थी जी। इतनी जो मशीनरी आई हुई है, चाहे वो बेलर है या भाई रोटावेटर है साइज बड़े हैं या सुपर सीडर है, तो उन सभी इम्प्लीमेंटों को देखते हुए जो कंपनी ने इस ट्रैक्टर में बदलाव किए हैं वो आज के युग के अनुसार और ट्रैक्टर में हरेक वो चीजें इस मॉडल में दी गई है जो कि किसान इससे फायदा उठाए। ओके। और मैन जो है कि आज का बढ़ते हुए डीजल की कीमतों को देखते हुए कंपनी ने इस मॉडल में स्पेशल तीन मोड दिए गए हैं, इको, इको प्लस और पावर। ओके। ये कहने के लिए 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अच्छा। लेकिन इसी 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में जो ये तीन मोड दिए गए हैं उसमें ये जो इको प्लस आपको 45 HP की वो देगा पावर, ट्रैक्टर की पावर होती है जो उसकी डीजल की खपत होती है आपको इसी ट्रैक्टर में वो इको प्लस में मिलेगी। ठीक है। सेकंड पोजीशन तब हम इसको इको पे चलाते हैं तो ये 55 HP की जो पावर देगा वो देगा, उसी के हिसाब से डीजल लेगा। ठीक है। और जब हम इसे पावरफुल कार्य करते हैं जो लोड में करते हैं तो वो पावर में चलेगा 65 की पावर, 65 की पावर फुल पावर में, फुल पावर में 65 की, उस हिसाब से डीजल लेगा उसी के हिसाब से, और काम भी उसी हिसाब से करेगा उसी के हिसाब से काम निकलेगा। और इसे सीधा फर्क क्या होगा, जो डीजल की खपत होगी वो टाइम अनुसार लोड अनुसार कम होगी। बिल्कुल कम होगी तो ये डीजल का बचत होगी। जो इंजन दिया गया है वो कहां का इंजन इसके अंदर? इसके अंदर अपना न्यूलैंड का इंजन है और ये मेड इन टर्की जो कि आपने न्यूलैंड का स्पेशल असेंबल होके यहाँ इस मॉडल में दिया गया है। हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर काफी चेंजेस किए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। हाँ जी। पहले से तो ये पहले से किसानों की जो फीडबैक जाती थी कंपनी ने इस मॉडल में सभी सुधारे किए गए हैं, जो कि कई बार होता था कि किसान की किसी की हाइट कम है या जो ये बड़ी सीट दी गई थी इसके कारण एक्सीलेटर पे पैर रखता था तो परेशान रहता था, तो इसमें वो खत्म कर दी। उसका थोड़ा लुक वाइज बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और मैं अगर बात करूं इन स्टिकरों की, ये भी बाहर से डिजाइन हुए हैं, काफी टाइम लगा इनको डिजाइन करने में जो मेरे पास नॉलेज आई है। और कई किसानों को ये लग सकते हैं कि आज हमें अजीब से लग सकते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर 2-4 ट्रैक्टर और आ जाएंगे 10 ट्रैक्टर तो ये आपको बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ये स्टिकर 1 साल पहले देखे थे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ठीक है। और ये ऑफिशियली कंपनी की तरफ से बिलिंग ट्रैक्टर है, ना कोई डेमो ना कोई टेस्टिंग कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे ही कोई वीडियो नहीं है, ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियली वीडियो है। और अगर मैं खोल कर दिखाता हूँ, ये देखो ये चेंज किए हैं, ये भी आप देख सकते हो पहले से ये चेंज किए हैं, और ये देख सकते हो आप, और यहाँ से ये देखो ये इसका पूरा इंजन और ये का स्लंसर का, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है इसके। और ये अगर डिज़ाइन की इसकी मैं बात करूँ तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है इस ट्रैक्टर का, यहाँ से खोल सकते हैं इसे हम, तो काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है देखने में ये ट्रैक्टर। ठीक है।
और जी आप तो आपने तो चलाया होगा ये ट्रैक्टर, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा। और कंपनी ने जो अपने सीआरडी मॉडल अभी लॉन्च किया है, ये पहला ट्रैक्टर इंडिया का लॉन्च हुआ है। ये 9000 ट्रैक्टर झज्जर को बिलिंग हुई है, बिलिंग हुई है इसकी। और लॉन्च करने से पहले कंपनी ने लगातार इस पर साल से दो साल पर जो टेस्टिंग की है, जो सभी जो इश्यूज थे वो क्लियर करके तभी इसको मार्केट में लॉन्च किया है। बिल्कुल। और चलाकर भी देखा इसको, अपना जो सिंपल वाला था और ये सीआरडी में है, उसमें काफी सुधार की है, दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं ये देखो, सबसे पहले तो ऊपर चढ़ने के लिए बड़ा ही आरामदायक है ये, पहले वाली ये समस्या सारी खत्म कर दी है। और अगर मैं ये यहाँ से, तो इसके जो मीटर वगैरह है वो भी बहुत शानदार दिए गए हैं। ये मैं दिखा सकता हूँ, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो कितने इसके अंदर, ये देखो ये देखो, तो बहुत सुंदर इसके अंदर मीटर वगैरह दिए गए हैं। और अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, ये इसकी स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। अगर मैं चलाकर भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, ये मोड है इसके, ये इको मोड पे, ये वहाँ पर लिखा आ गया इको मोड और पावर मोड, ये पावर, ये इको प्लस, सभी तरह के जो मोड हैं वो दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो साइलेंट बहुत है ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और ऊपर से भी काफ़ी सुंदर है ये प्लेटफॉर्म, इसका आप देख सकते हो, इस साइड से भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से इसको बैक लगा देते हैं। ये मीटर देखो कितने सुंदर बनाए हैं ट्रैक्टर के, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए हैं। इसको यहीं पर लगा देते हैं दोबारा। सज्जन, ये पहले से साइलेंट बहुत है ट्रैक्टर। कंपनी ने जो किया है कि हर एक कंपनी ये कह रही है कि साउंड को कम से कम किया जाए, तो वो चीजें भी इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। और साइलेंट ट्रैक्टर है, हमने डेमो भी किया, इसके ऊपर पानी का गिलास रख के देखा है, तो उसमें वो कोई कंपनर वगैरह, वाइब्रेशन भी खत्म है, वाइब्रेशन खत्म है बिल्कुल, साइलेंट प्लस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी खत्म कर दी है ट्रैक्टर की। बाकी पीछे से तो वही है जो पहले जैसा था, ठीक है। ये इसमें फ्रंट वेट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, हाँ जी, और रियर वेट ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जो कि सिंपल में पहले ये नहीं आते। और इसकी ये लुक बहुत सुंदर है, बिल्कुल जी, हाँ, बहुत ज्यादा, एक बार देखने से जो भी अट्रैक्शन बनता है, बिल्कुल बनता, बहुत ही अच्छा लुक वाइज, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, क्योंकि इस साइड से भी आप देख सकते हो ना, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये फिल्टर पानी के लिए जी एक्स्ट्रा दिया गया, ये फिल्टर दिया गया जी, ये टी इसके अंदर ही है, इसमें क्या जो भी डीजल अपना आएगा यहाँ पे वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे सेंसिंग भी लगा हुआ है, ठीक है सर, जो के इसमें जो भी पानी वगैरह या मिलावट जो भी होगा या गंद होगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको वार्निंग दे देगा मीटर के, ओके, जिससे ये आगे उस चीज को सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये क्या चीज दिया गया है यहाँ पर? ये अपना जो कई बार होता है कि कोई भी गाड़ी हवा ले जाती है, किसी कारण डीजल नहीं डाल पाते, या भाई अदरवाइज कोई ले गया, उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, ओके। तो डीजल उस टाइम उस कंडीशन में जब ट्रैक्टर हवा ले जाता है, तो डीजल डालकर इसको पंपिंग करो, पंपिंग करो, ऐसे पंपिंग करो, ठीक है, इससे हवा निकल जाएगी और ट्रैक्टर अपना रूटीन में, ठीक है, काम करेगा, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो आपने हमें टाइम दिया, तो आप इतनी दूर से आए हैं, बरवाड़ा से, हनुमानगढ़ से, हमारा सौभाग्य है जो आप आए और हमारे ट्रैक्टर की वीडियो बनाई और आपने ये चीज देखी, जिससे किसान भाइयों तक पहुंचेगा और उसे ज्यादा किसानों को लाभ मिले। बिल्कुल जी, तो कोई भी किसी की इंक्वायरी हो, जो कि झज्जर के साइड में, जो झज्जर जिनको डीलरशिप लगती है,
तो वो इनको कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो पूरी जानकारी आप ले सकते हो। और इनके पास फोर व्हील भी एक दो दिन के अंदर आ जाएगा ट्रैक्टर इसी के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और हमारे पेज को और चैनल को फॉलो करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।